जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत परमाणु भार अथवा परमाणु द्रव्यमान, यानी सामान्यतया हम परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान एक ही को हम कह देते हैं। तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा यहाँ हम आपको बताएंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें कि किसी भी तत्व का परमाणु अदृश्य होता है, इसलिए उसका वास्तविक भार ज्ञात करना या वास्तविक परमाणु भार या वास्तविक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए हम इसकी तुलना किसी अन्य तत्व के भार से करते हैं, जिसे हम आपेक्षिक परमाणु भार या आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इटली के महान रसायनज्ञ स्टैनिस्लेव कैनिजारो, इन्होंने परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा हाइड्रोजन के परमाणु के भार से तुलना करके बताया। और इन्होंने परिभाषा ये दिया कि किसी भी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार यह बताता है कि, देखें, किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का भार हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार से कितना गुना भारी है। यह डिफिनेशन इटली के महान रसायनज्ञ स्टैनिस्लो कैनिजारो के द्वारा दिया गया था। अब हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म परमाणु द्रव्यमान मात्रक पैमाना के बारे में बताने जा रहे हैं। देखें, सन 1961 ईस्वी में विश्व के जितने भी वैज्ञानिक थे, सभी वैज्ञानिकों यानी रसायनज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा किसी तत्व के आपेक्षिक परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए एक नए मानक के रूप में कार्बन 12 का प्रयोग किया गया। मैं आपको बता दूं कि कार्बन 12 कार्बन का सबसे अधिक अस्थायी तत्व होता है या समस्थानिक होता है, तो इसको स्वीकार किया गया और इसके अंतर्गत परमाणु द्रव्यमान मात्रक पैमाना के अंतर्गत किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अथवा परमाणु का भार परमाणु द्रव्यमान मात्रक, तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसको संक्षिप्त में AMU लिखते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट से प्रदर्शित किया जाता है। और रसायनज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय संघ में निर्णय के अनुसार परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट की डिफिनीशन ये बतलाई गई कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक वह द्रव्यमान है जो कार्बन 12, और फिर मैं आपको बता दूं कि कार्बन 12 का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह कार्बन का सबसे अस्थायी समस्थानिक होता है। तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है। और इस प्रकार
अगर हमको किसी भी परमाणु का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान लिखना हो तो उसे हम एम यू के रूप से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसको शॉर्ट में हम केवल यू से भी प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम एकीकृत द्रव्यमान कहते हैं। तो याद रखे रहिएगा, एम यू को शॉर्ट में यू भी कहते हैं और यू को एकीकृत द्रव्यमान भी कहा जाता है। और इस प्रकार आज जो डिफिनेशन बताई गई वो सभी डिफिनेशंस आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।